वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, या मैं आपको ये चीज़ नहीं कह रहा कि यूट्यूब पर काम करना या इस पे वर्किंग करना टाइम का ज़्याया है या वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ भी आप बोल लें। वीडियो बनाने का और बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ठीक ट्रैक देना है कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं, आपका जो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं है। टाइम वेस्ट किए बगैर हम पॉइंट पर आते हैं। तीन आपको मैं इसमें एग्जाम्पल्स दूंगा कि जो चैनल मोस्टली लोग बना रहे हैं और उनका इस टाइम कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले नंबर पर वो लोग आ रहे हैं जिन्हें इस चीज का जिन्होंने दूसरों से सुना है कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, या मतलब आप यूट्यूब पे अपना कैरियर रख सकते हैं, और वो क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स डालना शुरू कर देंगे, किसी की वीडियोज उठा के डालना शुरू कर देंगे। यानी कि उन्हें कंटेंट क्रिएशन इस चीज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ना ही उन्हें इस चीज का पता है। वो सिर्फ क्या करेंगे, टिकटॉक की वीडियोज उठाएंगे, स्नैक वीडियो की उठाएंगे, या मैक्सिमम अगर वो करेंगे एडिट तो करेंगे व्हाट्सएप स्टेटस बना देंगे, पीछे वो ही हिंदी गाने लगा के या पंजाबी गाने लगा के। इसके ऊपर मैं आपको बता दूंगी क्लियरली कि इस पे मोनेटाइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको शॉर्ट वीडियोस पे अगर आप स्टेटस वीडियो बना रहे हैं तो आपको उस पर मोनेटाइजेशन मिले। दो चीजें आप अभी से अपने पल्ले बांध लें, अपने जहन नशीन कर लें, अगर आपने यूट्यूब पर इन फ्यूचर काम करना है। यूट्यूब के अलावा भी अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर एज आपने कॉन्टेंट क्रिएटर आपने काम करना है, कभी भी आपने रीयूज कॉन्टेंट यूज नहीं करना है, क्योंकि यूज कंटेंट पे यूट्यूब के अलावा भी कोई भी जितने भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप फेसबुक पे चले जाएं या डेली मोशन पे चले जाएं, वो आपको मोनेटाइजेशन नहीं देंगे। दूसरे जो गेमिंग चैनल बना रहे हैं, यानी कि मतलब मैं अब इससे मेरे कहने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं जो गेमिंग चैनल वाले हैं उन्हें मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मकसद ये है कहने का कि जो पहले से गेमिंग में स्टेब्लिश हो चुके हैं ना, सिर्फ वही अब स्टेब्लिश है, अब नया बंदा है जो वो 1000 में से कोई एक होगा, और ये चीज लाजमी नहीं है कि वो 1000 में से एक आप ही हो। आप कंटेंट क्रिएटर बने लेकिन आप अपना ओन ट्रेंड बनाएं, आप अपना जाती ट्रेंड चलाएं, आप नई चीज़ आप मार्केट में लेके आए, नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवाएं, फिर आप इस पे काम कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि मैं एज अ क्रिएटर नहीं हूँ, मैं एज अ एडमिन वर्क काम कर रहा हूँ। यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं जिनकी SEO, उसके अलावा जो एडिटिंग डिजाइनिंग वगैरह, ये सारा कुछ मेरे पास ही होता है। इसमें इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो पॉइंट है वो मैं आपको, अब एक चीज मैंने और बहुत देखी है इसमें जो कसूर है ना, वो जो बड़े क्रिएटर बैठे हुए हैं उनका है, मतलब जो कि यूट्यूब पर एज ए टेक्निकल जो चीजें सिखा रहे हैं, अब मैं नाम नहीं मैंशन करूंगा, लेकिन जो टेक्निकल चैनल है बहुत ज्यादा कुछ सीखा है मैंने। यानी कि मैंने जो अपने 95% है ना वो मैंने एल्गोरो से सीखा है। अब बात करेंगे जो क्रिएटर हैं, वो आपको टैग टूल बता देंगे, या आपको मतलब कि आपको ना किसी भी ट्रक के पीछे लगा देंगे कि ना आपने ये पकड़ लेना है। अब मेरे पास एक चैनल आया, उसमें अपना मैं देख रहा हूँ कि उसमें जो टैग्स हैं